तो तुम्हारा फोन भी वो लोग जब्त कर लिया। हाँ, वो लोग मेरा फोन, जब मैंने अपनी दीदी को सारा दुख बताए, उसके बाद पूनम मैडम से मेरा संपर्क हुआ, उसके बाद वो लोग हमको मारे, उसके बाद मेरा फोन भी छीन लिए। अच्छा, और जब भी, हाँ, वो लोग छीन लिए, और जब भी कॉल आता था वो लोग स्पीकर पे रखते थे, चाहे वो मैम का फोन हो, चाहे घर का फोन हो, चाहे फ्रेंड का फोन हो, सारे बात को वो लोग रिकॉर्ड भी करते थे कि वो लोग उधर से क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में वो मेरा वीडियो भी बनाए थे। कितने मेंबर थे वो लोग घर में? दो ही मेंबर थे। हाँ, अब वो ऐसे भी बोलते थे, तुमको क्या लगता है कि तुम जो घरेलू कामगार यूनियन से जुड़ी हुई हो, तुम्हारी मदद करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ऐसे लोग मेरे आगे पीछे डोलते हैं 50-100 में। जो लड़कियां इस तरह से बाहर जाती है रोजी रोटी के चक्कर में, कुछ पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन जिस तरह वहाँ टॉर्चर होता है, तो तुम क्या उन लोगों को सीख देना चाहोगी, क्या कहना चाहोगी, क्या वहाँ जाना चाहिए? जाना चाहिए, जब सरकार उसके लिए कुछ कानून बनाए उसके बाद ही जाना चाहिए। जिस घर में काम करते थे उस घर में चोरी का इल्जाम लगाया गया था हम लोगों को। अच्छा। और फिर सुबह में जब हम गए काम पे, तो हमको पता नहीं था कि वहाँ क्या क्या हुआ है। अच्छा। हम चले गए थे काम पे, और उसके बाद वहाँ से पुलिस आई, पुलिस फिर हमको ले गए, वहाँ से थाना रखे, 10 बजे रात में हमको छोड़ा गया। बाद में चोरी का उद्भेदन हुआ? चोरी का जो था सो तो वो लोग मान गए फिर बाद में। अच्छा, क्या कि चोरी हुआ नहीं था? चोरी हुआ था, किसी का पति हुआ था। अच्छा। पर उसका मेरा कोई अथी नहीं था। अच्छा, कोई दूसरा लोग किया था चोरी? दूसरा लोग किया तो पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हो चुका था। पुलिस जांच की तो खुलासा हो चुका था, लेकिन आपको झूठ मूठ में परेशान किया गया, परेशान, आपका मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, ठेस पहुंचा, बहुत तकलीफ हुआ। उस घर में काम भी नहीं किया, फिर बाद में 6 महीना तक हमको बहुत दिक्कत हुई काम करने में। सारा लोगों तो हम ये नहीं ना बता पाएंगे कि हम ऐसा नहीं है, बिल्कुल, और घर घर जाके तो बताने, सबका मन में वही भरा हुआ था कि ये ऐसी है, मतलब चोरी करती है। और काम मिलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो इसके बाद आप कुछ केस वगैरह किए उल्टा उन लोगों के ऊपर? उसके बाद नहीं, कुछ हम नहीं किए। अरे ना, बताओ क्या समस्या है आपको, क्या दिक्कत होती है काम करने में? काम में तो वही ना, टाइम से पैसा सैलरी अच्छा से मिलता है, तबीयत कुछ खराब होता है तो छुट्टी भी नहीं मिलता है। अभी आपको कितना सैलरी मिलता है? 2000। 2000? कितना घंटा काम करते हैं? 3 घंटा हो जाता है, संडे को तो 4 घंटा भी हो जाता है। प्रतिदिन? हाँ, किसी दिन छुट्टी मिलता है? नहीं, वही तबीयत खराब होता खुद से छुट्टी करना पड़ता है, किसी भी बात सुनना पड़ता है। पैसा वगैरह वो लोग काट लेते हैं क्या? हाँ, काफी करते हैं। अच्छा, 2000 उसके बाद वो लोग पैसा काट लेते हैं। हाँ, काट लेते हैं। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? हम तो बहुत साल से कर रहे हैं काम। घरेलू कामगारों के लिए एक अलग कानून बनाया जाए। इस कानून के अंतर्गत में घरेलू कामगारों की न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक छुट्टी, बोनस, कार्यस्थल पर हिंसा और उनकी मतलब कि संपूर्ण सुरक्षा, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो उन्हें जरूरत है उस तरीके की सुरक्षा से निपुण वो कानून हो, जिससे उनके ऊपर शोषण होने पर वो उस कानून का सहारा लेकर अपना न्याय पा सके। हम लोग अलग अलग प्रोग्राम में सरकार से अलग मांगे करते आए हैं, जैसे कि आईएलओ कन्वेंशन 189 है, जिसको भारत सरकार ने 2011 में जनेवा में हस्ताक्षर युक्त सहमति देने के बाद भी आज भारत में अनुसमर्थन करके उसको लागू नहीं किया, लेकिन हम लोग को झारखंड सरकार से बहुत आशा है कि घरेलू कामगारों को के लिए एक अलग कानून बनाए, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है घरेलू कामगारों का एक हब बोला जाए तो, क्योंकि यहीं से बहुत सारे वर्कर काम करने जाते हैं और उस काम करने जाने के दौरान में किस तरीके से वे ट्रैफिकिंग के शिकार हो जाते हैं वो जान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम सुरक्षित जा रहे हैं या परिचित लोगों से जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास एक केस था, आपने सुना, उस केस के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि हम लोग अपने से परिचित के साथ भी जाने पर भी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए घरेलू कामगारों के लिए एक कानून होना चाहिए, वो झारखंड राज्य में एक अलग कानून होगा, जिससे वो लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचार या हिंसा के विरुद्ध में उस कानून का साथ लेकर अपने लिए न्याय पा सकेंगे। हम अपने केंद्र सरकार से भी लोग मांग करते हैं कि आईएलओ कन्वेंशन 189 को अनुसमर्थन करें, जिसमें घरेलू कामगारों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। बाकी कामगारों के लिए तो अलग अलग लेबर कोड है, लेकिन उन लोगों का काम करने का जो स्थिति है और जो उन लोगों का काम करने का परिवेश है, वो
और घरेलू कामगार का जो परिवेश होता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि बाकी सभी घरेलू कामगार, बाकी जो भी कामगार होते हैं उनके साथ दूसरे कामगार भी रहते हैं या वो ओपन रहते हैं, चाहे वो रेजाकुली हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला हो, चाहे वो कोई ऑफिस में काम करने वाला हो। तो उन लोगों का क्या है कि लोगों का भीड़ में रहते हैं या ओपन भी रहते हैं, लेकिन घरेलू कामगार एक ही घर के अंदर रहते हैं, वो एक ही कामगार उस जगह में मौजूद होते हैं और एक ही एम्प्लॉयर का होते हैं, जिसके चलते उनके साथ किसी भी तरह का शोषण होता है तो उसका ना कोई गवाह होता है ना कोई उस तरीके का सबूत होता है, जिसके चलते वो शोषित होते हुए भी उसको कोई भी कानूनी सहायता, कानूनी कानूनी के कानून के दायरे से कोई न्याय नहीं मिल पाता है। और इसी चीज के चलते सबसे जरूरी है एक अलग, बिल्कुल अलग कानून का होना, क्योंकि तभी जाके इन लोगों का हित और इन लोगों का अधिकार का रक्षा हो सकता है।